सर नमस्कार, टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। सर आज इटावा विधानसभा में जो जन अधिकार पार्टी की समीक्षा बैठक रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य रहा कि आपको समीक्षा बैठक रखनी पड़ी? अभी पिछली बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने पूरे प्रदेश के संगठन को डिजॉल्व कर दिया। पिछला जो चुनाव लोकसभा का हुआ, उस चुनाव को में जो कमियां आई, उस कमियों को दुरुस्त करने के लिए पूरे प्रदेश में जोन बाई जोन मुझे कानपुर मंडल में लगाया, इसी तरह संजीव साक्य जी को झांसी मंडल में लगाया, आगरा मंडल में रमेश शाक्या जी को लगाया। हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए कि विधानसभा में जा करके विधानसभाओं से लेकर के विधानसभा का गठन करिए, फिर जिले का गठन करिए और बूथ और सेक्टर का गठन करके आने वाले 2022 की तैयारी के लिए हम लोग आज से जुट गए हैं। उसके लिए इस संगठन को ध्वस्त करने के लिए हम लोग निकले हुए गाँव। सर क्या इटावा में जन अधिकार पार्टी की नई कार्यकारिणी बनाई गई या फिर जो पुरानी कार्यकारिणी थी वही रहेगी? अभी हम लोगों ने हर विधानसभा में विधानसभा के प्रभारी नियुक्त किए हैं जो विधानसभा बैठक करेंगे, और विधानसभाओं में जो बैठक में जो ज्यादातर सहयोग करने वाले लोग जो लोग होंगे उन्हें जिले की कमेटी में रख करके जिले की कमेटी की घोषणा करेंगे। सर जो जन अधिकार पार्टी ने 2019 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जन अधिकार पार्टी से क्या कमियां रही कि जन अधिकार पार्टी को सम्मानजनक वोट नहीं मिल पाया? जन अधिकार पार्टी के अंदर अभी नेता नहीं, कार्यकर्ता है। हर गांव में कार्यकर्ता ही खड़े हुए, जिनके साथ हमारा गठबंधन हुआ उनकी पार्टी में नेता है। दोनों का तालमेल न होने के कारण हम लोगों को ईवीएम ने हराया। ये हम लोगों की उसकी समीक्षा के साथ साथ आने वाले 2022 में गठबंधन के से पहले हम लोग वर्क करना चाहते हैं, गाँव तक पहुँच करके गठबंधन जारी रखें। सर जो भारतीय जनता पार्टी ने सभी पार्टियों का सूफड़ा साफ कर दिया है, तो जन अधिकार पार्टी उसको किस नजरिए से देखती है? हम तो इस नजरिए से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी एक पार्टी बन गए हैं, और मोदी जी ने पूरे देश के जितने भी उद्योगपति उनको इकट्ठा बना करके अपनी मोदी पार्टी बनाई। उस मोदी पार्टी हमेशा झूठ बोल करके सरकार को बनाती है, पिछली सरकार भी उन्होंने झूठ वादे करके सरकार में आए। जन अधिकार पार्टी के नए नए मुद्दे क्या रहेंगे? जन अधिकार पार्टी के नए नए मुद्दे, जन अधिकार पार्टी इस देश की आबादी के हिस्से, आबादी के में जो आबादी है जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का देते हुए पहला मुद्दा होगा जो आपने रिजर्वेशन का। दूसरा मुद्दा होगा कि जो रिजर्वेशन उन्होंने 10% सामान्य जाति को किया, हम उनसे उनके उस पर नाराजगी व्यक्त तो नहीं करते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हमारे जितनी जिसकी आबादी है जिस जाति के उसके हिसाब से आरक्षण को लागू करें तो ज्यादा अच्छा। बाबू सिंह कुशवाहा जी को जो NRHM घोटाले का आरोप लगा हुआ है, जनता इससे कैसे जन अधिकार पार्टी से जुड़ेगी? NHRM के घोटाले उनके ऊपर आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। NHRM घोटाला करने वाले लोग दूसरे लोग हैं जो आज भी हो सकता है जेल में या जेल के बाहर घूम रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा तो उसके शिकार हुए हैं, और शिकार करने वाले जिन लोगों ने शिकार के रूप में उन्हें फंसाया है वो सामने उजागर आ जाएंगे। जिस दिन NHRM घोटाला का पर्दाफाश होगा तो बाबू सिंह कुशवाहा निर्दोष होंगे, और जो दोषी होगा वो जेल के अंदर होगा।